रुद्राई ट्यूब क्लास पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कल 1 तारीख को जो काउंसलिंग हुई थी उसमें कितने विद्यार्थियों ने काउंसलिंग की तथा कितने विद्यार्थी उसमें अनुपस्थित रहे तथा 31 को कितने अनुपस्थित रहे थे, इसमें वेटिंग लिस्ट वालों को क्या फ़ायदा होने वाला है तथा जो विद्यार्थी अनुपस्थित रहे अगर वो फिर भी मतलब पोस्टिंग लेते हैं तो उनको मतलब उसमें क्या घाटा है, उसमें उनको कहाँ पर पोस्टिंग दी जाएगी, ये हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आया कि सहायक द्वितीय पदों के लिए 130 की हुई थी काउंसलिंग, ये 2 नवंबर 2019 को पेज नंबर 7 पर आया है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में सहायक द्वितीय के पदों की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 404 अभ्यर्थियों में से शुक्रवार को 135 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। इनमें से 130 अभ्यर्थियों ने पद स्थापन हेतु स्थान चुना, मतलब 5 विद्यार्थी यहाँ पर अनुपस्थित रहे। इन चुने गए स्थानों पर पद स्थापित कर दिया गया है। काउंसलिंग के दौरान जो अनुपस्थित रहे 5 अभ्यर्थियों को रिक्त रहे पदों पर पदस्थापित किया जाएगा, मतलब जो खाली पद रह जाएंगे मतलब उनको मनपसंद की पोस्टिंग नहीं मिलेगी। जो 5 विद्यार्थी रहे उनको अगर वो पोस्टिंग लेते हैं तो उनको AVNL के जो द्वारा ही मतलब उनको स्थान बता दिया जाएगा। उसके अलावा जैसा कि MS वीएडवाटी ने बताया कि 31 अक्टूबर को की गई काउंसलिंग के लिए भी 134 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था लेकिन 127 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी 7 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। तो दोस्तों, ये वेटिंग लिस्ट वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर ये विद्यार्थी पोस्टिंग नहीं लेते तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा वो वेटिंग लिस्ट वालों को मिलेगा। जैसा कि पता है 1 तारीख को तो 5 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहते, उसके अलावा 31 तारीख को 7 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, तो मतलब 250-300 में से 250 विद्यार्थियों में से लगभग 10-11 सीटें आपकी खाली रह गई है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा वेटिंग लिस्ट वालों को मिलेगा। दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।